भाई इस महीने की शुरुआत से एंड तक सिर्फ और सिर्फ टीजर्स आ रहे हैं, कभी मोशन पोस्टर्स आ रहे हैं तो कभी ट्रेलर्स आ रहे हैं तो कभी ग्लिम्प्स आ रहे हैं तो कभी प्रीव्यू आ रहे हैं। स्टार्ट किया था प्रभास ने अपनी सालार से, फिर उसके बाद जवान भी आ गई कंपटीशन में, फिर उसके बाद OMG 2 भी आ गई, उसके बाद कल्कि 2898 AD भी आ गई और फिर सूर्या की कंगुआ भी आ गई। लेकिन इन सबसे पहले गदर 2 का टीजर आया था और फैंस तब से आस लगाए बैठे हैं कि गदर 2 का ट्रेलर कब आ रहा है भाई, क्योंकि गदर 2 के कंपटीशन में खड़ी होने वाली OMG 2 तक का ट्रेलर आ चुका है। लास्ट में भी हमें ये देखने को मिला है कि गदर 2 के मेकर्स ने काफी रैंडम और इम्पल्सिव डिसीजंस लिए हैं, चाहे वो अपने सॉन्ग्स आउट करने ही चक्कर में क्यों ना लिए हों। और ऐसा ही एक इम्पल्सिव डिसीजन उन्होंने इस बार भी लिया। पहले बताया जा रहा था कि ट्रेलर 27 जुलाई को रिलीज किया जा रहा है, लेकिन अब अचानक से 26 जुलाई की डेट बताई जा रही है। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। 26 जुलाई की तारीख कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाई जाती है, लेकिन इसका कनेक्शन गदर 2 से क्या है? तो 1971 के भारत पाक युद्ध, जिस पर गदर 2 बेस्ड है, उसके बाद कई दिन सैन्य संघर्ष होता रहा, देशों में विभाजन से भी बदतर स्थिति थी। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसलिए बार बार आपको गदर 2 के टीजर में लाहौर लाहौर नाम सुनने को मिल रहा है। थोड़ा कारगिल की लड़ाई के इतिहास पर नजर डालें तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष विभाजन के बाद से ही जारी है। आए दिन LOC पर गोलाबारी हो रही थी। दोनों देशों का सैन्य बल कश्मीर के लिए संघर्षत रहा है। ये संघर्ष आज का नहीं, इसके पहले भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो चुका है। विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी रहा, परिणाम स्वरूप 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। हालांकि इसके बाद से भी दोनों देशों के बीच सशस्त्र युद्ध होते रहे। कश्मीर को लेकर जारी विवाद को कम करने के लिए भारत पाक ने शांतिपूर्ण समाधान का वादा करते हुए फरवरी 1999 में हस्ताक्षर किए, लेकिन नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ होती रही, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका नाम हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ, वो 13 J&K राइफल कैप्टन थे, जिसमें तारा सिंह भी बटालियन का हिस्सा हो सकते हैं। कैप्टन बत्रा पर ही शेरशाह फिल्म को बनाया गया था। इसी कारगिल युद्ध में शहीदों को याद करके और उनके जज्बे को सलाम करने के लिए 27 जुलाई की बजाय आज 26 जुलाई को गदर 2 का ट्रेलर रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि इसी दिन हमें कारगिल पर विजय प्राप्त हुई थी। तो आप बने रहिए, क्योंकि जल्द ही आपको गदर 2 का ट्रेलर देखने को मिलेगा दोस्तों। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।